चितारा की हाथ जोड़कर राम राम। जहां भी अपनी खापों के प्रोग्राम होते हैं सबसे बड़ा चिंता का विषय एक रहता है, जितना जो यूथ है युवा वो कम होता जा रहा है। और जो हमारे बुजुर्ग हैं जिन्होंने हमारे लिए सदियों से लड़ाई लड़ी आज भी वही लड़ाई लड़ रहे हैं। बड़ी चीज ये है हमारे खाप में इतनी बड़ी बड़ी ताकतें इतने बड़े बड़े योद्धा हुए हैं जो आजकल के बच्चों को जिनका पता ही नहीं। हाल फिलहाल जहां हम बैठे हैं आप लोगों को बता दूं दिल्ली के चारों तरफ से एक ताकत को बसाया गया था जिस ताकत का नाम था जाट। आज उस ताकत के अंदर ही उसके अपने भाई उसका साथ देने की बजाय एक दूसरे की टांग खींचते हैं। अगर आज जात को किसी चीज से जाना जाता है ना हमारे को नजर नीचे करनी पड़ जाती। जब ये कहती अपने परिवार ने तो मना लो बाकी बात तो बाद में कर लेना। आप लोगों को बताता हूं हमारी ताकत क्या थी। औरंगजेब जब दिल्ली के दरबारों में बैठता था गौ हत्या करता था बहन बेटियों की इज्जत लूटता था हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ करता था उस वक्त पंजाब से चल के गुरु तेग बहादुर अपने धर्म के लिए लड़ने के लिए आया। जब वो यहां दिल्ली पहुंचा उसको बंदी बना लिया। बंदी बनाने के बाद उस औरंगजेब हत्यारे ने उसको बोला या तो मुसलमान धर्म अपना वरना तेरे भाइयों के तेरी आंखों के सामने मार दूंगा। उसके तीन भाइयों को सतीदास मतीदास और डाला तीनों भाइयों को उसके सामने मार देता है और हंसते हुए गुरु तेग कहता है मेरा भी शीश काट ले कोई फर्क नहीं पड़ना। हम वे क्षत्रिय हैं जहां पैदा हुए हैं वही कफन ओढ़ना चाहते किसी दूसरे का नहीं। और उसी वक्त 22 नवंबर 1675 को गुरु तेग बहादुर का शीश काट दिया उसके चार टुकड़े कर दिए और औरंगजेब ने फरमान सुनाया दिल्ली के चारों गेटों पर इस गुरु को लटका दो चारों हिस्सों में काट के चारों को लटका दो ताकि यहां आने वाले हिंदुओं को पता लगे ये तुम्हारा गुरु था। उसका भगत एक व्यापारी उसके साथ में उसका एक चेला जेता जैसे ही उनको पता लगा हमारे गुरु के शव का बुरा हाल ना हो उसके शव को लेके वहां से भाग लिए और बड़ खालसा सोनीपत के अंदर आता है वहां गांव में बढ़ के औरंगजेब की सेना पीछे पीछे आज शव लाओ उसकी दुर्गति करनी है मने। जब बड़ खालसा में पहुंचे हमारा एक दादा जिसका नाम था कुशाली सिंह दहिया उसको जानते हैं कुशाल सिंह दहिया के नाम से। दादा ने देखा सब आदमी इकट्ठे हो रहे हैं चौपाड़ में क्या बात उड़ जाके देखा तो बताया गुरुजी का शव है। सबसे पहले तो सबने शीश झुकाकर नमस्कार किया और उसके बाद पूछा भाई रोड़ा के है रोड़ा बताओ। बोला औरंगजेब की सेना पीछे लाग रही गांव ने घेर ली है और गुरु जी का शव खोज के ले जाएंगे। आस्ते हुए दादा बोला फिर शव दे दो क्यों रोड़ा करवा रहे हो। सब कड़वी आंखों से दादा की तरफ देखते दादा कैसी बात कह रहे हैं। अरे बोला मूर्खो गुरु जी की शक्ल देखो और मेरा मुंह देखो एक सा है कि नहीं। दादा की जगह मेरा शीश काट के दे दो। सबकी आंखें फटकी दादा कैसी बात कर रहा। उसके बाद उस दादा ने अपने पुत्रों को अपनी औलाद को अपनी संतान को यह कहा मेरा शीश तुम काटोगे और मेरा शीश तुम काटकर यह दिखाओगे जाट कितना बलवान होता है। और आज के वक्त आज एक ऐसा वक्त आ गया आप ठोकरों में रुड़ गए हो आप ठोकरों में रुड़ गए हो। मैं पहले तो आप लोगों को बताता हूं उस शव को लेके मुसलमान खुश हो गए दादा को लेके चले गए और उस गुरुजी के शव को आनंदपुर साहिब पहुंचाया गया उसका अंतिम संस्कार किया गया। हमने हमेशा दूसरों के लिए कुर्बानियां दी है
लेकिन समस्या दूसरों में नहीं, समस्या हमारे खुद में है। बदलाव हम अपने खुद में नहीं करना चाहते। 1832 में सबसे पहले शराब की दुकान खुली थी बंगाल में। 1832 में फ्री शराब पिलाते थे अंग्रेज, शराब पीने में मजा आ गया। आज का वक्त यह अंग्रेजा की देन है। ऐसा कोई गांव, ऐसा कोई चौक, ऐसा कोई चौराहा नहीं, 5 साल से ज्यादा शराब के ठेकों को सजाया जाता है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, किसको नहीं पता कि शराब से हमारा विनाश होता है। दारू में बलात्कार हो, दारू में मर्डर हो, दारू तो घर का नाश हो, दारू तो दूसरे का नाश हो। अपने खून किले बेच कर शराबी अपने साथ अपने परिवार को खा जाता है। और हम यहाँ बैठे हुए हैं, मैं समस्त सरदारी से एक विनती करता हूँ, इतनी बड़ी चीज नहीं है ये ठेके बंद करवाने। एक गांव इकट्ठा होगा जनू कह देगा ना, मारे गांव में ठेका नहीं होना चाहिए। मैं गारंटी देता हूँ किसी सरकार के अंदर चैतरी मत ठेका खोल दे। मैं तो ये मानता हूँ ये कमी हमारी है। फसल खराब होगी, नस्ल खराब होगी, बचा लो इन्हें। थारे बालक हाँ झूठी बात बात ना करता, थारे बीच में बता दू, थारे बालक ने थारे आशीर्वाद दे। इन 2 साल में 258 तो छोरी व्याधी, जिनका ना भाई था ना बाप था। 28 करोड़ रुपए की नगद मदद कर दी लोगों की, गरीब आदमियों की। 1400 परिवारों को बसा दिया। 129 आंदोलन में भागीदारी कर ली। टिकैत साहब आप तो जा चुके हैं, हमारे पिता सम्मान है, उनसे पूछना जो जब ये किसान आंदोलन चला सबसे पहले बैरिगेटर तोड़ने वाला सिंघू बॉर्डर पे मैं ही था। मेरी टीम के साथ सबसे पहले चोट मेरे को लगी थी। अगर आप वीडियो निकाल के देखोगे, यो फैसला भी मेरा ही था। दिल्ली के अंदर नहीं जाएंगे, चारों तरफ तक घेर के बैठांगे। तो आप सबसे विनती है, आपसे ज्यादा ताकत किसी में नहीं। मेरे बुजुर्गो, मेरे मालिक को, ये अपनी नौजवान पीढ़ी ने संभालो, इन्हें समझाओ, ये जो फोन ले रहे हैं जिसके कारण विनाश हो है, इसके कारण आप अच्छा काम भी कर सकते हो। अपनी कौम ने एक कर लो, थारे तो ताकतवर कोई नहीं है। मेरे मुख से कोई गलत शब्द निकले हो, हाथ जोड़ के समा सकता हूँ, थारा बालक हूँ, थारा बेटा हूँ, थार पर जो 2-4 बात सीखा हा, थारा जो इतिहास पढ़ा, थारे बीच में बताने की कोशिश करा हा। इस सरदारी को प्रोग्राम करने वाली महान आत्माओं को भारत सितारा की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद। कहीं ना कहीं आप लोगों को जागरूक कर रहे हो। हर एक इंसान से मेरी विनती है, अपने हस्ताक्षर करके जरूर जाना, ताकि सरकार के सामने अगर ये मांग लेके जाए, उनको पता लगे इनके अंदर कितनी एकता है। आप सभी साथियों को भारत सितारा की तरफ से हाथ जोड़कर आपके चरणों में राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार जोरदार तालियां भाई के लिए। मैं एक बार निवेदन करूंगा भाई।